हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जो है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट दो क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया है। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की ऑनेस्टी के लिए किया है, तो दो एक पार्टनर ने अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर के लिए ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर वन, विल दिस एम्प्लॉई बी ऑनेस्ट? मेरा स्वयं सो एम्प्लॉई है, क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं? तो जब हम बात करते हैं किसी भी चार्ट में, तो सिक्स्थ हाउस जो है वो एम्प्लॉय शो करता है। आप सबको पता है कि हम केपी में कस्प को पकड़ते हैं। कस्प मतलब वो जो हाउस है, वो हाउस का आरंभ बिंदु, और वो आरंभ बिंदु का स्टार्टिंग पॉइंट का सब लोड। तो सिक्स्थ कस्पल सब लोड को हमने देखना है। देखिए, सिक्स कस्पल सब लोड किससे कनेक्टेड है? तो कनेक्शन यहां पर एक जुपिटर और सन से होना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर सन ये दोनों ट्रूथ के सिग्निफिकेटर हैं। तो अगर सिक्स कस्पल सब लोड इज कनेक्टेड विथ आइदर जुपिटर और सन, तो हाफ कंडीशन फुलफिल। कंडीशन नंबर टू, ये भी देखना है क्या सिक्स कस्पल सब लोड कनेक्टेड है किसी भी तरह से विद इलेवेंथ हाउस। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम बोल्डली कह सकते हैं कि जी हाँ, आपका सो एंड सो एम्प्लॉई एग्जैक्टली ऑनेस्ट है। क्वेश्चन नंबर टू, इज माई पार्टनर ऑनेस्ट? अब जब हम पार्टनर की बात करते हैं, तो कुंडली में, चार्ट में सेवेंथ हाउस बिजनेस पार्टनर का बनता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा। हमने यहां पर सिक्स के बदले लेना है सेवेंथ कस्पल सब लोड। वही दोनों कंडीशन, इफ सेवेंथ कस्पल सब लोड कनेक्टेड विथ आइदर जुपिटर और सन, क्योंकि मैंने बताया अभी जुपिटर और सन यस ट्रूथ के सिग्निफिकेटर हैं, एंड प्लस अगर वो कनेक्ट हो जाता है किसी भी तरह से इलेवेंथ हाउस से, तो हम बोल्डली बोल सकते हैं कि जी हाँ, आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर ऑनेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।